दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, यानी कि वो लोग जो YouTube पे काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं। और शायद आपको पता नहीं होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी किया है उन लोगों के लिए जो क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग वेबसाइट या ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर आप फेक न्यूज़ देकर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, यानी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसे किसी को हर्ट हो रही हो, किसी को नुकसान पहुंच रही हो, तो ऐसे में कोई बंदा अगर आपके वीडियो पे रिपोर्ट करता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फिर आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है, यहां तक कि आपको जेल भी हो सकती है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है। रिसेंटली एक केस आया है जो कि मुंबई का है। केस ये है कि 3 यूट्यूबर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर हम उन यूट्यूबर्स की कमाई की बात करें तो अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए अर्न कर चुके थे। रीजन ये है कि ये लोग जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ये लोग क्या करते थे कि मुंबई के पब्लिक प्लेस जैसे बांद्रा फोर्ट, जुहू बीच, गोराई बीच, या फिर आप यूं कह लें तो MCGM के पार्क जैसी जगहों पे जाके लड़कियों के साथ वीडियो शूट करते थे। मतलब ये लोग जो हैं प्रैंक वीडियो शूट करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा डर्टी हुआ करता था, काफ़ी अश्लील हुआ करता था। तो इसी वजह से कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया, तो कंप्लेन के बेस पे पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, और फिर अरेस्ट करने के बाद इन पे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसके जो मेन अक्यूज्ड है, सॉरी मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑफिशियल न्यूज का, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके जो मेन अक्यूज्ड हैं वो कुछ साल पहले 98.5% के साथ SSC में टॉप किया था। उसके बाद वो एक ट्यूशन चलाया करता था, तो वहां पे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, कुछ लड़कियां होती थी, तो उन लड़कियों को कुछ पॉकेट मनी देकर प्रैंक वीडियो शूट करने के लिए राजी कर लेते थे, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल थी। अगर हम बात करें प्रैंक वीडियो की तो वो काफी अजीबो ढंग के हुआ करते थे, लाइक डबल मीनिंग वगैरह। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बचे हुए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप गलत चीजें करना छोड़ दें, डबल मीनिंग वाली वीडियोस बनाना बंद कर दें। अगर वीडियोस हैं आपके चैनल पे तो उसे जल्दी से डिलीट करके हटा दें और इससे कुछ अलग कैटेगरी में जाके फ्रेश न्यू कॉन्टेंट क्रिएट करें, तभी आप सेफ जोन में रह पाएंगे, अदरवाइज आप पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको एक ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छी केस की है, जिसमें कुछ यंगस्टर्स कुछ फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं जिसपे बहुत ही अश्लील तरीके के वीडियोस वो अपलोड करते हैं। इसका मोडस बेसिकली ऐसा रहता है कि ये कुछ लड़कियों को बुलाते हैं कि कुछ छोटा सा एक प्रैंक करना है, और जो यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस है मुंबई के, जैसे बांद्रा फोर्ट एरिया हो गया, जुहू बीच, अक्साई बीच, गोराई बीच, और कुछ MCGM के पार्क्स भी है जहाँ पर इसका शूटिंग किया जाता है। 5 से 10 मिनट का रफली ये वीडियो होता है। वो ओवरऑल वीडियो बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है। ये सब वीडियोस तैयार करने वाले 3 आरोपी अभी तक गिरफ्त में है। इनके 17 यूट्यूब चैनल और कुछ फेसबुक पेजेस चलते थे, जो अभी बंद करने के लिए मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने लिखा हुआ है। अब तक ऐसा अनुमान है कि इससे कम से कम 2 करोड़ रुपए की आमदनी इन चैनल ऑपरेटर्स को अभी तक हुई है। मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षितता को लेकर हमेशा कटिबद्ध है, हमेशा सजग है, हमेशा डेडिकेटेड है। आई होप कि आपने वो रिपोर्ट देख ली होगी। तो याद रखें दोस्तों, पैसों के लालच में कोई आप ऐसा वीडियो ना बनाएं जिससे आपको जेल जाने की नौबत आ जाए। आप चाहे तो किसी अलग सेगमेंट में काम कर सकते हैं, फुल्ली फोकस्ड होकर काम करें, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को उन यूट्यूबर्स के साथ शेयर जरूर करें जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।